हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आप बहुत बढ़िया। तो बड़े दिनों बाद बूथी उठा के आ गए हैं। तो आपने कहना है, तो वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आए तो भूला नहीं कहते। तो आज हमारा लास्ट पेपर है, पेपर शुरू तो हो गए थे तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो सोचा आज लास्ट डे है तो व्लॉग वगैरह बना लेते हैं। और आज तो सुनने में आ रहा है कि सुनने में बस शायद पेपर होने के बाद हम हॉस्टल गए, हॉस्टल में शुगर मिल होगा, डांस वगैरह पार्टी शार्टी और थोड़ा सीन होगा। तो मैं सोचा आपके साथ चलते हैं। तो अभी मैंने नहाना है, 8:30 बजे पेपर है, सेकेंड टाइम मेरा। तो नहा के कपड़े पहन के फिर उज़ैफा आएगा, उज़ैफा के साथ हम चलेंगे। तो ये आज का कार्यक्रम है, तो आप चले मेरे साथ। तो एकदम फुली रेडी हो चुका है पेपर देने के लिए। अब उज़ैफा का ही वेट है। मैं कहता हूँ तब तक के लिए पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब लोग आते तो हैं, लोगों का मसला वैसे लोग आते तो हैं, लेकिन ये है कि पूरे कंफर्म नहीं है कि सही, बाकी चीटिंग का भी कोई कर लेंगे सिस्टम। और लोग नहीं आते, ये मेरे लैपटॉप बंद की यहाँ खुला हुआ था ओनो, चलो ये इसने ऑन होने में देर लगा देनी है। तो ये देखो मैं पढ़ा था, और या तो उज़ैफा वेट करे तब तक पढ़ रहे थे, पसीना आए, गर्मी बहुत है, पंखा बंद किया ताकि आवाज़ ये कोई साउंड ना आए। तो उज़ैफा का वेट कर, कितनी दफ़ा बोलूँगा मैं उज़ैफा का वेट, उज़ैफा आता है तो चलते हैं, तब तक मैं तैयार करता हूँ और आप मेरे लिए दुआएं करो प्लीज़ प्लीज़। तो फाइनली जो उज़ैफा आ गया, और शुक्र है, क्योंकि इंतज़ार करना एक बड़ी मुश्किल चीज़ है, ये समझ लो कि कुत्ती चीज़ है, मतलब इंतज़ार नहीं होता बंदे से। अब उज़ैफा आ गया, चलते हैं पेपर देने। तो आपको भी बताता हूँ, काफ़ी दिनों बाद मिलना वगैरह होना है। तो फिर हाँ भाई, व्लॉग बन रहा है, कैसे हैं आप? ठीक है। ये देखिए भाई, उज़ैफा भाई काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी आपके साथ काफ़ी देर के बाद, ये भाई के साथ हुआ, रोज ही होते हैं इस भाई के साथ। हाँ, ये बड़े भाई के साथ आपको कह रहा हूँ, आपको तो मिलते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हुआ, हवस बहुत हुई है, बारिश के चांसेस तो देखें कब होती है। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे हैकर जिनको हैकिंग नहीं आती। तो अभी हम पेपर देने चलते हैं, तो पेपर दे के बाकी जो शुगर मिल पेपर के बाद हो गया, तो अभी यूनिवर्सिटी जाकर पहुँच के आपको बताते हैं। बाइक चलाता हूँ मैं, तो दरवाज़ा बंद कर देते हैं, तो मिलते हैं हम आपसे यूनिवर्सिटी में जाके। ओके, डोलन से हम हर रोज़ गुजरते हैं, उसकी खुशबू लेते हैं, लेकिन हम गुरबत से भरे हुए लोग हैं। आप देखिए इतनी गुरबत है, एक बाइक पर तीन लोग जा रहे हैं जी, आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह किस दिन हमारे पास हेलीकॉप्टर ले लेना, ये जो हेलीकॉप्टर ले लेना, नहीं करना वो ऊपर से हवा जाया करना है, और यहाँ पे आपको कपड़ा बाहर निकलना है। सर, इसमें ट्रैक ना मैंने लाफ सीट के बैग को उतरा करना है, क्योंकि वो लाफ सीट में सुहेल भाई का काम होता है ना, इसलिए आपको पता ना मैं शरीर बंदा हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ आप लोग कितना जानते हैं, जितना मैं जानता हूँ भाई। चले हम मिलते हैं यूनी। पहले पहुँच गए हैं, वो देखिए अहमद भाई हमारे पढ़ते हुए जा रहे हैं, थीटा फुल थीटे बने हुए हैं। तो हमारा ही पेपर है C1.4, ये हमारा सी डिपार्टमेंट है। तो पेपर तो आता है, तो घबराने से वो भूल ना जाए, तो बस पेपर देखिए आते हैं फिर मिलते हैं आप, तब तक लिए मैं दुआएँ बाकी सारा कुछ करें, तो फिर हम पेपर दे के मिलते हैं। ठीक है, मैं तो पेपर वगैरह दे के आ गया हूँ, बाकी उज़ैफा वगैरह कर रहे हैं, पता नहीं क्या छठू डाल रहे हैं। सा सीरीज का पेपर था, एक तो आ गया, वो भूल गया, सुई की हुई थी 1992 में 1952 में दे, वो मुझे भूल गया, मैं घंटा उससे पढ़ रहा है, लेकिन मैं दिया है चलो। लेकिन उज़ैफा बैठा कर रहा, तो वीर बैठा कर, सारे बैठे कर, छोटू गाड़ी जा रहे हैं अपने से ही। अब मैं उनका वेट कर रहा हूँ, खीर की बारिश हो रही है लेवल वाली, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, मिसने हम पेपर देकर आ गए हैं, पेपर हमारा जंगो किस्म का हुआ है। सुहेल भाई आप जरा बताएं पेपर कैसा हुआ? मैंने राज के छड्डू डाला, मैं मेरे सामने बैठे थे साथ में, मुझे मैं पाकिस्तान तेरे प्यो ने बनाया जरा तू छड्डू पाया वो पाकिस्तान प्यो ने नहीं बनाया, लेकिन मैंने गैस भूल गई कदों से वापस हुई थी। सावा भाई आपने मैंने तो हर लाइन में लिखा है पाकिस्तान के एमेंटो पे 1947 मैं भाई बहुत गलत कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा जी, छड्डू भाई लिखे आए, ये कॉमसन में तो प्यो दिया। बारिश का मौसम काफ़ी, बारिश जब से शुरू हुई ना पेपर तब भी स्टार्ट हुआ है, और मेरी तो कोशिश थी कि मैं जल्दी जल्दी पेपर कर लूँ और जल्दी से बाहर चला जाऊँ किसी की तरह, और क्योंकि बारिश बड़ी पसंद है मुझे। तो
तो फिर पेपर ख़त्म हुआ तो हल्की फुल्की बारिश हुई, थोड़ा सा ना आया तो अब हॉस्टल जा रहा हूँ, तो हॉस्टल जाके मिलता हूँ। इससे पहले रिक्शा यार पास और बात ना है मेरी, इसलिए मैं हॉस्टल जाता हूँ। तो हम जो हॉस्टल आ गया, तो मैंने आपको बताया कि हॉस्टल में कोई डांस वगैरह होगा, लेकिन वावडा वालों की बदकिस्मती कि लाइट नहीं है तो हम डांस नहीं कर सकते। बड़ा मैक्सी हुआ हुआ है और मौसम बड़ा अच्छा हुआ हुआ है, और सामा भाई देखें टांगों में बाल नहीं है इनके, आपके भी हैं, आपके तो गर्दन में भी हैं। आज ना एक सुनहरी मौका हुआ कि वो आप भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, समझ रहे हो क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि भाभी नहीं आई, भाभी नहीं आई, भाभी छुट्टी हुई है। तो उसामा भाई तो हमारे इतने छड़े हैं, और बाकी अहमद भाई के काफ़ी 10 लड़कियां स्नैपचैट पे, अहमद भाई 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 दिखाओ दिखा दिखाओ 10 बच्चियां सिर्फ स्नैपचैट पे और इंस्टाग्राम की और व्हाट्सएप की दोस्त से भी ज़्यादा। हाँ जी, कुछ बहनों भी बनाई हुई है यहाँ पे, इनका वासना चले वहाँ पे ये बहनें बना लेते हैं। ये हमारे पेपर खत्म हो चुके हैं, सामा भाई अपने पेपर होने के खत्म होने की खुशी में फालतू से दो चार लफाज बोल, सामा घर जा रहा है, इसको भाई खाने की टेंशन पड़ गई है। क्या बोलूं भैया, कुछ बोलने भाई को, दरअसल ना ब्रेकअप हो गया था इसलिए छोड़ के चली गई थी। बाकी देखे दिल में, डॉक्टर को चेक करवाएंगे, डॉक्टर कहते हैं इनको दिल का मसला है, दिल का मतलब वो वाला जो आशिकी में शुकी में होता है, दिल में हो रहा है, दिल में सुराख में कब है। बाकी बत्ती तो है कोई नहीं है, तो बत्ती आएगी तो सुबह मेरा लगाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं तो कहता हूँ लोग एंड कर देते हैं यहाँ पे। बाकी वलीद भाई भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, द फेमस पर्सनैलिटी ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा में कोई नहीं जानता। एक तो मौसम की फरमाइश है कि गाना गा रहा है, और ऊपर से आपको पता जब बाइक पर जाते हैं तो हम गाना तो लाजमी गाते हैं, तो हम गाएंगे काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए उसने वालो, न छेड़ो हमें हम सताए हुए, बहुत रक्त सीने पे खाए हुए, सितमगर हो तुम खूब पहचानते, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेब मोहब्बत में उलझाने वाले। बस इतना ही हम कहता था, बाकी आप व्यू चेक करें, और हम लोग घर जा रहे हैं, पेपर ख़त्म हो गया है, मज़े ओके मिलते हैं आपसे घर जाके। आ गए अभी, मैं पेपर दे के सिर्फ सीधा शेख हसीब की दुकान पे आ गया था, इन्होंने नई शॉप खोली है, तो ये है शेख हसीब, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं शेख हसीब, इन्होंने नई शॉप खोली है, तो मैं अक्सर आ जाता हूँ इसको मिलने, क्योंकि पता है प्यार बहुत है इनसे। पेपर ख़त्म हो गया, अब सितंबर में जाके उम्मीद है क्लासेस शुरू होंगी, तब तक के लिए वेले तब तक के लिए मैं इधर ही धक्के खाते होना, इतनी नज़र आ रहे होना। तो उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद है, मुझे समझ नहीं आई मैंने क्या बनाया, लेकिन कुछ तो बनाया, तो देख लेना आप। तो बाकी उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो करना कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और फ्री की भी चीज़ वैसे में छोड़ देते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खिस आउट, लव यू। कहते हैं ना कि शाम को बुला के सुबह को वापस आ जाओ, जो आप भी सोचते होंगे इतने मुँह, आप भी सोचते ना इतने दिनों के बाद कहाँ से मुँह उठा के आ गए। कहते हैं ना सुबह का गया अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे सुबह का भूला अगर शाम